ये मुनि जीवन के मार्ग पर आने वाला संयम पुण्य तो है। विहार में मेरे साथ रहकर के सामयिक भी की वो प्रवृत्ति भी देखी, मगर लॉन्ग टाइम साथ में रहकर के उनकी प्रकृति का पता चला और तब उनको चारित्र देने का एक सोचा हमने। अकेले अच्छे पुण्य से अकेले अच्छी प्रवृत्ति से दीक्षा की योग्यता नहीं आती है, प्रकृति अच्छी होनी ही चाहिए। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट योर नेचर? मनोज एक छोटा सा प्रश्न, 10 रुपये की नोट हाथ में हो और किरीट भाई हवा से नोट उड़ जाए, हवा से आपने हाथ में निकाली और हवा लेके चली गई और पीछे से एक आदमी आकर के उठा के गया, आपको ज़्यादा दुख होगा तो किस में होगा? हवा से उड़ के गटर में चली गई और किसी आदमी पीछे से आकर के उठा के भाग गया, यदि आपको पीड़ा होगी तो किस में होगी? होगी तो खुश हो तो प्रश्न ही नहीं, किस में पीड़ा होगी? हाँ क्या लेके गया? सच बोलो क्यों? हवा से उड़ के नोट तो गटर में गई, यूटिलिटी खत्म हो गई। जो लेके गया कम से कम इनके पास यूटिलिटी तो बची ना, तो किसी भी नोट की कीमत तो उनकी यूटिलिटी पर है ना, उपयोगिता है। तो जो उठा के गया उसके पास तो उपयोगिता तो बची, तो व्हाई यू आर नॉट हैप्पी? नहीं बताओ मुझे, मैं आपको मानसिकता से जानना चाहता हूँ। 10 की नोट का लो दोनों में गया, एक तो गटर में गई ना, आपको काम लगी ना किसी को काम लगी? एक उनके हाथ में गई आपको काम नहीं लगी, मगर कम से कम उसको तो काम लगी। नरेश भाई शुद्ध है क्या? यहाँ कहा ताक की भावना, दोनों में लॉस तो हुआ। चलो एक दूसरा प्रश्न, आपने किसी को मोबाइल फोन किया, घंटी बज रही है, 2 मिनट तक घंटी बजी, दोबारा किया घंटी बजी और आपने मोबाइल रख दिया, ओके विपिन भाई, और एक आपने मोबाइल किया, सामने वाले ने आपके मोबाइल को काट दिया, दो में से ज़्यादा पीड़ा किस में? नहीं बताओ, जानना चाहता हूँ, ज़्यादा पीड़ा किस में? फोन काटा उसमें, क्यों? तुम बड़ा प्रधान हो क्या? तुम ये मानते हो कि मेरा मोबाइल जाए तो उसको उठाना ही चाहिए? तुम इतने क्या अपने आप को टॉप प्रायोरिटी मानते हो? आपने फोन किया उसकी मर्जी नहीं होगी, नहीं उठाया, आप इनके मालिक तो नहीं हो ना। मगर मैं पूछता, दोनों में फोन तो किसी ने उठाया, एक में घंटी गई, इसमें काट दिया, माना आपका फोन का तो कोई बात नहीं हुई ना, तो आप फोन रिंग बजी वहाँ आपको समाधान होता है और किसी ने आपके फोन को काट दिया वहाँ तुम गर्म हो जाते हो, व्हाट इज द रीजन? क्या है देरा समा नहीं, थिएटर में बैठो तो अने जानी जोई ने काव्य हो। जान बुझ के वो काट रहा है, ये आपकी प्रकृति दिखाती है। दो दो घंटा और एक बार बताओ विपिन भाई, 10 लाख का डोनेशन देने वाला भी 10 रुपया यदि हाथ में से कोई उठा लेता है वहां गर्म होता है, दैट मीन्स 10 लाख का डोनेशन वो प्रवृत्ति थी और किसी ने हाथ से उठा ली और गर्मी आ गई, ये प्रकृति है। हम प्रवृत्ति में शायद 70-80-90% हम मार्क्स लाते हैं, प्रकृति में हमारे मार्क्स कितने आएंगे? और मुनि जीवन में आगे आने वाले के पास एक और स्टेप बचेगा, प्रकृति भी नहीं आगे जाकर के परिणति, वो टॉप पे चला जाएगा। मेरा पुण्य अच्छा चाहिए नंबर एक, मेरी प्रवृत्ति अच्छी चाहिए नंबर दो, मेरी प्रकृति अच्छी चाहिए नंबर तीन, और कभी कभी मेरी प्रकृति बिगड़ भी जाए भगवान मेरी परिणति अच्छी होनी चाहिए।